बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? यकीनन ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें, सबको सेहत वाली लंबी उम्र अता करें, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, ये रात के टाइम जो है मैं काफ़ी मुझे भूख लग रही थी, बल्कि मैं शदीद भूख का शिकार थी और मैं वेट कर रही थी कि कुछ खाने को मिल जाए, लेकिन हस्बैंड बाहर थे और मैं ख़ुद अवॉइड कर रही थी कि कुछ ना खाऊं। लेकिन फिर वो आए हैं तो वो ये आइसक्रीम थोड़ी सी लेकर आए हैं जो कि जस्ट 30 रुपीज़ की एक कप था, और मुझे उस दिन लग रहा था कि तो बहुत थोड़ी है। नेक्स्ट जब वो बाहर गए तो उन्होंने कहा कि मैं ना आधे घंटे के लिए बाहर जा रहा हूँ, और फिर आपको पता है कि हस्बैंड का जो आधा घंटा घंटा होता है वो काफ़ी सारे आधे घंटे गुजरने के बाद फिर वो आधा घंटा आता है। तो ऐसा ही हुआ उस दिन भी, और मुझे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के हस्बैंड भी इस तरह करते हैं कि नहीं करते। जो लोग मैरिड हैं वो ज़रूर कमेंट करके बताएं। अच्छा, वो गए और उन्होंने कहा कि मैं ना आपके लिए अब ये आइसक्रीम लेकर आएँ क्योंकि कल आपको अच्छी लगी, फिर वो 2 कप लेकर आए। अच्छा, जब मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप ये 2 कप क्यों लेकर आए, कल तो मुझे भूख थी इसलिए मेरा दिल चाह रहा था, तो उन्होंने मुझे आगे से कहा ये आपके लिए रिश्वत है क्योंकि मैं लेट आया हूँ, तो आप मुझसे क्वेश्चन ना करो। तो ये जो है हस्बैंड थोड़े से चालाक होते हैं, तो आप मुझे बताइएगा कि आपके हस्बैंड भी इतने चालाक हैं कि नहीं। एनीवेज, यहाँ पर जी शब बारात के दिन भाजी ने बनाई थी खीर, और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी, इसकी कितनी थिक सी और बड़े मज़ेदार सी जो है वो खीर थी। टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छी थी, और 2-4 दिन पहले भी भाजी ने बनाई थी क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। वो मुझे कह रही थी कि आप बना दो, तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा, स्कूल की वजह से थोड़ी मसरूफियत थी, तो फिर भाजी ने बना दी। यहाँ पर जनाब ये मैं बना रही हूँ कचनार और चिकन का सालन। कचनार जो है वो मैंने पहले फ्राई कर दिया था, और उसके बाद ये जो है चिकन फ्राई करके निकाल दिया था जैसे हम भिंडियाँ बनाते हैं। उसके बाद मैंने मसाला बनाया, चिकन को बीच में डाल दिया है, और यहाँ पर जनाब ये बना रही हूँ सालन मज़ेदार किस्म का। सबने खाया था तो सबने कहा कि बहुत अच्छा बनाया, भाजी ने बताया था मुझे कि अच्छा बनाया, लेकिन आई एम नॉट श्योर क्योंकि मैंने खाया नहीं था, इसलिए मुझे आइडिया नहीं है कि मैंने अच्छा भी बनाया था कि नहीं। मुझे बड़ी देर बाद याद आता है कि मैंने लाइट भी ऑन करनी होती है ताकि आपको क्लियरली नज़र आ जाए। यहाँ पर जी सालन तैयार हो रहा है, इसको बनाने में लगी हूँ मैं, और साथ साथ मैं आप लोगों को बताऊँ कि आजकल क्या हो रहा है। आजकल ये चल रहा है कि जनाब लाइफ बड़ी टफ़ चल रही है और बड़ी ही मैं परेशान हूँ, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल टाइम गुजर रहा है। तो आप लोग प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिएगा, और आप लोगों की दुआओं की अच्छा ज़रूरत है। कुछ मुश्किलात आती हैं और ऐसे ही लोगों की ज़िंदगी में आती हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और जो बहुत ज़्यादा सीधे रास्ते पे चल रहे होते हैं, और या फिर शायद आप ये कह सकते हैं कि इंसान जब सही जा रहा होता है तो उसी के रास्ते में मुश्किलात आती हैं। तो मेरे लिए मेरे जॉब से रिलेटेड, मतलब घर पर नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह घर पर एवरी थिंग इज़ फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन स्कूल में जो है कुछ चीज़ें ऐसी आ रही थी जो कि कुछ हर्डल्स कह सकते हैं, कुछ ऐसी डिफ़िकल्टीज़ जो आ रही थी और जिनकी वजह से मैं मेंटली डिस्टर्ब थी बहुत ज़्यादा। तो जॉब में ऐसा होता है, चाहे आप छोटे पैमाने पे करें बड़े पे, जो भी है थोड़ी बहुत होता है। और कुछ मैं सेंसिटिव, ओवर किस्म की सेंसिटिव हूँ, और मुझे फ़ील भी बहुत ज़्यादा होता है, तो मुझे कुछ ज़्यादा ही फ़ील हो रहा था मे बी, या आई डोंट नो क्या था। बहरहाल मैं जो है अभी हंडिया की तरफ आती हूँ, मैं सैड बातें नहीं करते हैं। यहाँ पर देखें ये भुनाई करके इसको मैं दम पर रख दूँगी। एनी वेज़, कम टू द नेक्स्ट रेसिपी। ये है हमारी जनाब, मेरे राइस बना रही थी, भाजी के साथ चली गई थी बाज़ार, और बाज़ार जाने से पहले मैंने ये जो चीज़ें हैं उनकी मैं कटिंग कर गई थी। मैंने प्याज काट लिया था, मैंने लहसुन और अदरक भी कटा हुआ था, मैं काट के डालती हूँ मोस्टली चीज़ों में, लहसुन को काट के डालती हूँ हंडियाज़ में भी, और अल्हम्दुलिल्लाह वो नज़र नहीं आता। और यहाँ पर जनाब मैंने हरी मिर्चें भी काट दी उसी बर्तन में, और मैंने कहा कि मैं जब आऊँगी जब ऑयल में डालूँगी तो मैं हरी मिर्चें साइड पर कर दूँगी और बाकी चीज़ें डाल दूँगी। वो क्या हुआ कि मैंने पहले ही डाल दी, वो थोड़ी सी ब्लैक भी होगी, बट ओवरऑल राइस अच्छे थे, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक बन गए थे, तो चलता है हो जाता है, कोई बात नहीं। अच्छा जी, यहाँ पर देखिए आपको नज़र आ रहा होगी कि मटरों के साथ जो मेरे थोड़ा सा मेरा जो प्याज है वो सॉरी प्याज कह रही हूँ, वो हरी मिर्चें वो थोड़ी सी डार्क ब्लैकिश सी जली हुई सी आपको नज़र आ रही है। देखिए अपना ही हाथ बीच में दिखा रही हूँ, हाँ वो इसलिए क्योंकि वो भाप बन रही थी ना, तो मैंने उसको क्लीन किया था, सॉरी। तो ये नेचुरल सी वीडियो वैसे मेरा ख्याल ज़्यादा अच्छी लगती है, तो आप लोग इस चीज़ को भी इंजॉय कीजिएगा। यहाँ पर जनाब ये मेरे राइस तैयार हो रहे हैं, और राइस अब जाके थोड़े से हमारे साथी बन रहे हैं, हमारे दोस्त बन रहे हैं, थोड़ा अच्छे अच्छे से बन के दिखा रहे हैं। अदरवाइज़ तो ना पूछिए आप, इनकी वो कंडीशन होती थी कि किसी को खिलाने के काबिल नहीं होते थे और किसी के सामने रखने के काबिल तो बिल्कुल भी नहीं, मतलब हम किसी के घर भेज भी नहीं सकते और किसी को रखते हुए भी सामने शर्म आ रही होती थी कि आप राइस खा लें, आज हमने राइस बनाए। यहाँ हल्दी काफ़ी सही डाल के मैंने राइस बनाए हैं। अब जी जनाब मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ जो कि मेरी सिस्टर ने मुझे सेंड की है और मेरी कज़न ने मुझे सेंड की है। तो सिस्टर जनाब मेरी वो रहती हैं इस्लामाबाद से आगे, मतलब रवात से आगे रहती हैं कलर सईदा में, एंड वो हमारे घर आ रही थी, मतलब अम्मी के घर में भी गई थी और वो भी आई थी जब मैं इस्लामाबाद गई थी।
तो उन्होंने ये जो है वो गीगा मॉल की, जो कि वहाँ पर एक न्यू मॉल बना है, उसकी डे टाइम का व्यू भी दिखाया है मुझे और नाइट टाइम का भी व्यू दिखाया है। तो आप लोग भी इसको इन्जॉय कीजिए। ये है जी माशाल्लाह से बहुत अच्छा, बहुत बड़ा सा गीगा मॉल है। और ये यहाँ पर इसकी ये देखिए स्टार्ट कहाँ से हुआ था और कहाँ तक जा रहा है, ये बहुत प्यारा। मैंने भी इसको थोड़ा सा वीडियो को स्क्रीन को इसको अच्छा नहीं किया, बेटर थोड़ा सा नहीं किया, अदरवाइज़ आपको क्लियर नज़र ना आता और ज़्यादा नज़र ना आ पाता कि कितना बड़ा है ये। तो दिस मॉल इज़ सो ब्यूटीफुल माशाल्लाह। तो यहाँ पर जनाब ये इसका डे व्यू है और अब नाइट व्यू दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर चलते हैं जनाब। ये रात को जब लोग वापस घर की तरफ जा रहे थे तो उसने मुझे नाइट व्यू भी दिखाया एंड शी सेंड इट टू मी, और उन्होंने मुझे कहा कि ये मैं लाजमी आप लोगों को आप लोगों से शेयर करूँ वीडियो। और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। अब मैंने उनको मना भी किया कि नहीं अच्छा नहीं लगता मैं नहीं शेयर करती, तो कहती नहीं आप गीगा मॉल जो है ना लाजमी शेयर करें। इसके अलावा जो कज़न हैं, जो मेरी सिस्टर की नंद भी लगती हैं और हमारी कज़न भी हैं, दोनों की पोजाद बहन हैं, और उन्होंने ये ज़बरदस्त किस्म का यमी सा केक बनाया था और वो अक्सर बेशतर बनाती रहती है, और इस दफ़ा हमारे लिए भी स्पेशली बना के भेजा था। ये आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें कि अगर आपका इतना कंसिस्टेंट है, इतनी उसकी थिकनेस है, तो आपका परफेक्ट है। यहाँ पर आपका हाफ वर्क हो जाता है डन, कि अगर इतना थिक है ना तो इट मीन्स कि जिस तरह ये जो लेयर लेयर बनती है ना, इट मीन्स कि परफेक्ट बनेगा। और आप देख सकते हैं ये टेस्ट वाइज इतना मज़ेदार था, बहुत टेस्टी था, बहुत ज़्यादा लाइट और बहुत यमी था। यहाँ पर ये देखें कि कितना खूबसूरत सा, कितना अच्छा सा फूल के बन गया। और ये यकीन माने अब मेरा इसको खाने को दोबारा से दिल कर रहा है, बहुत मज़ेदार था। और देख लें कज़न साहिबा, मैं नाम नहीं लूँगी, आप देखें कि मैंने आपकी वीडियो शेयर कर दी है। थैंक यू सो मच मेरे से इतनी प्यारी सी वीडियो शेयर करने के लिए। और आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।